हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। सो गाइस, जो है आपका रिजल्ट आ गया है कुछ कोर्स का, तो चलिए देखते हैं कौन सा आया है रिजल्ट। मैं ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन पे आ गया हूँ, यहाँ पे देखिए, है ना। और बाकी कोर्सेज का कब तक आएगा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अभी जो आया है वो किसका आया है, नोटिस रिगार्डिंग, एक मिनट गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं आप कॉर्नर पर। यहाँ देखिए, नोटिस रिगार्डिंग मिसिंग नेम्स, जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, उनका जो है एग्ज़ाम हो गया था, उनका नाम मिस है मार्क्स लिस्ट में, यानी जो जहाँ पे मार्क्स होता है तो उसमें उसका नाम ही नहीं, हालांकि उसने एग्ज़ाम दिया था ये बताया गया। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू GD फॉर एडमिशन टू MBA, है ना। MBA में एडमिशन के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से जितना सीट है उतना को लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। हाँ, एक मिनट, ओपन हो रहा गाइस। जो है अब बाकी कोर्सेज का भी आ जाएगा रिजल्ट। देखिए, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उस दिन आया था, आज जो आपका फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट स्टडीज एंड रिसर्च, है ना। यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं आप, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज एंड रिसर्च, यानी MBA का जो है रिजल्ट आ गया है। तो देखते हैं, और बाकी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप MBA के एस्पिरेंट हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट लिस्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, कितना है, लगभग 1500 के अराउंड शायद स्टूडेंट को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 100+ सीट्स हैं, तो उसके लिए बुलाया गया है इतना। तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, फिर आप MBA के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, पास कर पाएंगे, तो ठीक है। तो ये था, और बाकी कोर्सेज का देख लेते हैं गाइस। देखिए आया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस नॉट डिक्लेयर्ड, है ना, किसी का भी अभी नहीं आया। फैकल्टी ऑफ साइंस इसका भी नहीं आया है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का भी नहीं आया, किसी का नहीं आया, मतलब अभी बीटेक और MBA को छोड़ के, ये दो कोर्स को छोड़ के बाकी किसी कोर्स का भी नहीं आया है। तो कब आएगा, तो आपका जो है बहुत जल्द आ जाएगा। अभी कितना हो रहा है, अभी आज 29th ऑफ अक्टूबर है, 29th जो है उसके बाद 30, 31, 31st तक जो है आपका आने का चांस है BA, BSc, BCom का एंड BA, LLB का, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, इंशाल्लाह जो है बहुत जल्दी आ जाएगा आपका रिजल्ट। और काफ़ी, मुझे पता है कि काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होगा, बहुत लेट हो गया है ना, रिजल्ट आ नहीं रहा, एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट हुआ तो एडमिशन कब होगा, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन माइंड पे चल रहा है। एक तो स्कोर कम है, फिर ये टेंशन है, बच्चों का कितना टेंशन है ना, समझ सकते हैं हम, मतलब एक तो स्कोर किसी का बहुत, ज़्यादातर बच्चों का जो है स्कोर कम हो गया, 50 बिलो 50 हो गया, तो ये बात से लेकर टेंशन है कि होगा कि नहीं, वोटिंग आएगा तो क्लियर होगा कि नहीं, और उसमें ऊपर से ये लोग रिजल्ट भी नहीं निकाल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फिर एडमिशन कब होगा, कितना परेशानी है, कन्फ्यूज़न है। तो खैर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कन्फ्यूज़ नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आएगा, सब होगा, है ना, टाइम लगता है, पेशेंस बनाए रखना है, सब हो जाएगा और अच्छा होगा जो भी होगा, तो ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका कोई भी कोर्स का, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।